स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सहगल वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर आप लोगों के सामने सबलॉर्ड से संबंधी एक कंफ्यूजन को लेकर आज मैं आया हूँ। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है और लगातार ये कंफ्यूजन बनी हुई है सीखने वालों के अंदर भी, जो सीख चुके हैं उनके लिए भी। वो कंफ्यूजन क्या है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है, देखिए ग्रह मंगल, मंगल ग्रह जो है भरणी के नक्षत्र में है। इसे आप यूं समझिए उदाहरण के तौर पे, मंगल मेष राशि में 15 डिग्री 33 कला से 20 विकला और 16 डिग्री 13 कला और 20 विकला तक अगर रहेगा तो मंगल शुक्र के नक्षत्र में और उसका उपनक्षत्र यानी सब लॉर्ड सूर्य होगा। 15 डिग्री 33 कला से 16 डिग्री 13 कला के अंदर मंगल शुक्र के नक्षत्र में सूर्य का सब लॉर्ड प्राप्त होगा इस डिग्री के दौरान। जो लोग जानते हैं ज्योतिष वो टेबल उठा के देख सकते हैं केपी का। तो यहाँ एक्चुअली कंफ्यूजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इधर उधर की ज्यादा बात नहीं करके मैं सीधा इसी पॉइंट पर रहता हूँ कि मंगल शुक्र के नक्षत्र में है, ये है मुख्य मुद्दा, और मंगल का सब लॉर्ड यहाँ सूर्य है, ठीक है। तो एज पर केपी के नियम के अनुसार मंगल का फल देखने के लिए, शुभ फल यानी प्लस माइनस देखने के लिए यह देखना होता है कि उसका सब लॉर्ड क्या आ रहा है, ठीक है। तो मंगल यहाँ शुक्र के नक्षत्र में और सब लॉर्ड सूर्य है। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या हो रही है, कुछ लोग साथ में ये पूछ रहे हैं कि इस सूर्य का यानी सूर्य किसके नक्षत्र में है वो भी देखना है हमें इसके फलाफल के लिए। ये कंफ्यूजन क्यों आई है मैं आपको बताता हूँ। फोर स्टेप थ्योरी नाम से केपी का और एक्सटेंशन एक आ गया था मार्केट में। अब फोर स्टेप थ्योरी लगभग आउट है, कोई इसकी बात नहीं कर रहा। हम लोग चूंकि बहुत दिनों से इस पेशे में है तो कई चीजें उभरी हैं, कई डूब गई हैं, वो देखते देखते हमारा समय गुजर गया है। तो ये फोर स्टेप थ्योरी की वजह से ये कंफ्यूजन आई थी कि सब लॉर्ड का शुभ अशुभ देखने के लिए फिर स्टार लॉर्ड देखिए, यानी कि सब लॉर्ड किसके नक्षत्र में है। ये एक्चुअली एक तरह की गलत सोच है। क्यों गलत सोच है सुनिए ध्यान से। सब लॉर्ड, ये सब लॉर्ड क्या है एक्चुअली, सब लॉर्ड का यहाँ इंडिविजुअल अस्तित्व कुछ नहीं है। ये सब लॉर्ड जो है इस शुक्र का सब लॉर्ड है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। ये शुक्र का सब लॉर्ड है और मंगल का फलाफल ये यहाँ फाइनल कर रहा है। तो मंगल शुक्र के नक्षत्र में और उसका सब लॉर्ड सूर्य है, या आप समझ कह सकते हैं कि मंगल का सब लॉर्ड ये सूर्य है। तो मंगल का फलाफल ये सूर्य डिसाइड करेगा, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में ये बात बहुत कही जाती है कि सब लॉर्ड डिसाइडेड द मैटर। तो सब लॉर्ड किसका मैटर डिसाइड करेगा, इस मंगल का और इस शुक्र का। तो सूर्य यहां पर जो सब लॉर्ड इसका बना है, इसका दरवाजा यही बंद है, आप समझ लीजिए। अगर आप इसका स्टार लॉर्ड देखने जाएंगे तो कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार जब सब लॉर्ड लाभ और हानि को फाइनल करता है तब तो आप इस सूर्य का भी सब लॉर्ड देखेंगे कि ये अच्छा फल देगा कि बुरा फल देगा। यानी ये सूर्य जो सब लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड अच्छा फल देगा कि बुरा फल देगा, इसको समझने के लिए फिर आपको इसका सब लॉर्ड देखना होगा ना, अकॉर्डिंग टू रूल कृष्णमूर्ति पद्धति के कि सब लॉर्ड डिसाइड द मैटर, ठीक है। तो अब इस सूर्य का सब लॉर्ड अगर आप देखेंगे, यानी सूर्य किसके नक्षत्र में है और वो सूर्य किसके सब लॉर्ड में है, इस सूर्य का फल देखने के लिए अगर देखेंगे तो फिर उसके सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड भी देखेंगे क्या कि वो सब लॉर्ड क्या फल दे रहा है। पागल हो जाएंगे इस तरीके से, आप तो ब्रह्मांड से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे नहीं होता है एक्चुअली। ये कंफ्यूजन है जो गलत कंफ्यूजन है, फोर स्टेप थ्योरी की वजह से ये कंफ्यूजन पैदा हुई थी, इस चीज को समझ लीजिए। ये सब लॉर्ड इस मंगल का फल बताएगा, ये सब लॉर्ड इस शुक्र का यानी भरणी नक्षत्र का फल फाइनल ये बताएगा कि मंगल जो शुक्र के नक्षत्र में है और जो फलाफल शुक्र से रिलेटेड होंगे उसका प्लस माइनस लाभ लॉस जो भी है ये सब लॉर्ड फाइनल करेगा। अब ये सब लॉर्ड का अच्छा बुरा देखने के लिए वापस आपको ये सब लॉर्ड किसके नक्षत्र में है ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब लॉर्ड जो है अपने आप में इंडिविजुअल बॉडी नहीं है, ये सब लॉर्ड सिर्फ इस मंगल और शुक्र का एक अंश है, इसका अपना इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है। ये सूर्य तो इस मंगल को और शुक्र को
यानी मंगल के फल को फाइनल कर रहा है। अभी सूर्य के फल को यानी सब लॉर्ड के फल को देखने समझने के लिए वापस स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड फिर उसके सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड फिर उसके स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड तक चलते चले जाएंगे तो ऐसे आप फलादेश कहां से कर पाएंगे, आप तो कंफ्यूजी आ जाएंगे पूरे उसमें। मान लीजिए ये सूर्य का स्टार लॉर्ड गलत कनेक्शन बना रहा है, उसका फिर सब लॉर्ड गलत कनेक्शन बना रहा है, तो आप तो फिर बता देंगे कि ये मंगल अच्छा फल नहीं करेगा। ऐसे नहीं होता है, इस सब लॉर्ड का इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है। अगर ये मंगल नहीं है तो ये सब लॉर्ड भी नहीं है, बात समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है। उदाहरण ध्यान रखिएगा, मेष राशि में मंगल भरणी नक्षत्र में अगर है तो यानी शुक्र के नक्षत्र में है, और सूर्य उसका सब लॉर्ड मिलेगा 15 डिग्री 33 कला से 16 डिग्री 13 कला के बीच में अगर मंगल है तो ये टेबल बनेगा, मंगल शुक्र के नक्षत्र में और उसका सब लॉर्ड है सूर्य, और ये सूर्य फाइनल करेगा मंगल का शुभ अशुभ। इस सूर्य का स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड देखने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, भटक जाएंगे आप बिना मतलब के, गोल गोल घूमते रह जाएंगे, ठीक है। ये कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चंस आया था, आते रहते हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति के फॉलोअर्स के लिए दूर कर दिया एकदम क्लियर कट शब्दों में, ओके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू।